ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। कौन है सूर्या मराठा? ये कहानी है महाराष्ट्र में जन्मे एक ऐसे गुंडे की जिसने अपने बचपन में ही गुंडा बनने का सपना देख लिया था और उसका नाम है सूर्या मराठा। लेकिन एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर नहीं जाता तो सूर्या उसके घर ही पहुंच जाता है। घर पर हार्दिक पटेल के साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों सूर्या का वेलकम करते हैं लेकिन सूर्या हार्दिक के घर पर उसकी बीवी के साथ कुछ बदतमीजी कर देता है जिसे देख हार्दिक को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो उस समय शांत रहता है क्योंकि सूर्या उसका बॉस था और अगर उस समय वो कुछ भी बोलता तो सूर्या उसे और उसकी बीवी दोनों को ही मार देता। इस घटना के बाद से ही वो सूर्या के साथ काम करते हुए भी उससे नफरत करने लगता है और डिसाइड कर लेता है कि सूर्या को उसके इस अपराध का दंड वो खुद देगा। हार्दिक पटेल सूर्या मराठा को मारने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वो कुछ ऐसे लोगों से बात करता है जो सूर्या के दुश्मन हो और उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वो एक टीम बनाता है। इस टीम में मन्नू बरिया की गैंग से भी कुछ लोग थे। ये सारा काम वो सूर्या की नाक के नीचे कर रहा था। उसने उसे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी और एक दिन मौका मिलते ही हार्दिक पटेल टीम के कुछ आदमियों के साथ सूर्या के केबिन में घुस जाता है और इससे पहले कि सूर्या कुछ भी कर पाता हार्दिक का एक आदमी उसे पीछे से चाकू से वार कर देता है। हार्दिक भी सूर्या के सीने पर चाकू मारता है। इसी बीच सूर्या अपनी टेबल की दराज से एक चाकू निकाल लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वो भी हार्दिक पर कई वार करता है। सूर्या के मरते ही वो भी हार्दिक वहां से निकल जाता है क्योंकि अगर वो ऑफिस में बेहोश हो जाता तो सबको पता चल जाता कि सूर्या का कत्ल उसने ही किया है। इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर वहां से निकल जाता है लेकिन रास्ते में ही हार्दिक की मौत हो जाती है। इधर दूसरी ओर ऑफिस में ज्यादा खून बह जाने की वजह से सूर्या की भी मौत हो जाती है और इसी तरह सूरत के कुख्यात गुंडे सूर्या मराठा का टेरर भी खत्म हो जाता है। बड़े ही कम समय में सूरत में सूर्या मराठा ने अपने दबदबा बना लिया था और आज भी लोग वहां उसके नाम से डरते हैं। टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म गणपत की स्टोरी भी ऐसे ही एक गुंडे पर ही बेस्ड होने वाली है। वैसे हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलें।